गाइस आप लोग भी खा लीजिए नींबू, बहुत ही टेस्ट। ठीक है, जितना आपको नमक चाहिए उतना आप ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको ना पीसेंगे। तो गाइस अब हमने ये धो दिया है, अब हम इसको ऐसे पीसेंगे नमक को। उत्तराखंड का नमक फेमस नमक है, हमारे उत्तराखंड का हरा नमक बोलते हैं इसको, बहुत ही टेस्टी होता है। नींबू हमको बनाने के लिए ये चाहिए हरा धनिया, बाद में हम हरा धनिया रखेंगे उसके ऊपर से ऐड करेंगे। ये गुड़ है, ये मैंने चाकू से बारीक काट लिया है, ये गुड़ ऐड करना है उसमें। और ये है हरा नमक जो मैंने आपके सामने अभी पीसा है।
इसके ना ऐसे ये बड़े बड़े ऐसे बड़े बड़े पीसेस आते हैं ना, तो जो ये अंदर अंदर का है ना, ये अंदर अंदर का हम इसको ऐसे निकाल लेते हैं, पीस बोलते हैं, और ये सब बाहर का हम ऐसे ऐसे फेंक देंगे। वाह, नींबू ये घर में बनाई है सब्जी? गांव का है या अपने हाथ से बनाया है? ये अभी अभी बनाया है हमने घर पे ही। तो इसमें लहसुन की पत्ते कहाँ से आई? लहसुन मैंने अपने गमले में लगा रखे हैं। अच्छा, पे हम नींबू खा रहे हैं। तो ये काफ़ी फेमस डिश है हमारे उत्तराखंड कुमाऊं की, खासकर हमारे कुमाऊं में इसे बहुत खाया जाता है। और इसी प्रकार का इसको बनाया जाता है दही में, नींबू को अच्छे से छील के और दही गुड़ नमक इसमें ऐड करके अच्छे से, तो क्या चीनी भी आप ऐड कर सकते हैं। और इसे ऐसे ही खाते हैं सर्दियों में ना, जैसे धूप में बैठ जाओ तब खाते हैं। तो आज हमारे गाँव की जो है यादें जो है ताज़ा हो गई हमारी,
तो गांव में तो खैर अभी तो हम ही लोग हैं, गांव में ऐसा होता था कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होके और बहुत सारे नींबू जो है मिक्स करके ऐसे बना के खाते थे, सानना बोलते हैं हमारे वहाँ गांव में, तो सानते थे। तो आपको कैसा लगा ये नींबू और ज़रूर बताना। मैंने आपके सामने नमक भी पीसा और नींबू भी जो है बनाया। तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर मेरे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हमारे पहाड़ी भाई बंधु तुम सब ल यह चैनल के सब्सक्राइब किया जो ल तुम यह चैनल देखी जा मैं बाकी ब्लॉग ल बनानूँ और हर तरीका ब्लॉग बनानूँ मैं, तो तुम लोग ल आप सहयोग दिया और चैनल का जो है सब्सक्राइब किया। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।